दोस्तों, बदलने को क्या नहीं बदला, दुनिया बदली, हम बदले, रहन सहन बदला और बदल गया हमारा लाइफस्टाइल। पर क्या आप जानते हैं कि बदलने जा रहा है आपका खाना भी। जी हाँ, अब आपको अपने निवाले यानी एक कौर को 32 बार चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में अब ऐसे खान पान आ रहे हैं जिनकी झलक हमारे इस वीडियो में देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आने वाले 15-20 सालों में आपके सामने आने वाले हाईटेक फूड आइटम कैसे होंगे, चलिए आप भी देख लीजिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। 3D प्रिंटेड फूड। दोस्तों, समय ने करवट ली तो बहुत सी चीज़ें बदली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर फील्ड ने जबरदस्त तरीके से तरक्की करते हुए 3D प्रिंटिंग को हमारे सामने ला दिया। एक साधारण प्रिंटर पर जहां A4 साइज डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइन तैयार किए जाते थे, अब 3D प्रिंटिंग इमेज को स्कैन करके उसका 3D मॉडल निकाला जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि स्कैन किया गया खाना कैसा होगा? आज मोटापे, कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से निपटने के लिए तरह तरह के फूड आइटम्स बनाए जा रहे हैं। ये ऐसे खाने होंगे जिनमें हमारे मूड, शक्ति और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स या प्रोबायोटिक्स के साथ फोर्टिफाइड होंगे, जिसे हम जीन एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ये फ्यूचर फूड बढ़ती हुई आबादी को खिलाना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना और स्थिरता में सुधार करना जैसी स्थितियों में भी राहत साबित होंगी। एडिबल वाटर ब्लॉब्स। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारा क्लाइमेट बुरी तरह से चेंज हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा घातक है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक डिस्पोज ना होने के कारण यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। समुद्री जीव भी इस प्लास्टिक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इसलिए जितना भी संभव हो सके प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसका भी हल खोज निकाला है। उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त एडिबल वाटर बॉटल तैयार की है जो प्लास्टिक की नहीं होगी। इसे एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जिसे आप आसानी से खा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आपको ये अलग अलग स्वादों में भी मिलेगी। है ना कमाल का ये फ्यूचर बॉटल। इंसेक्ट। बेशक ये दिखने में बेहद घिनौना हो सकता है, जबकि चाइना थाईलैंड में इसे चटकारे लेकर खाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये मील बॉम के क्रिकेट इंसेक्ट न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद एमिनो एसिड आपकी मांसपेशियों और टिश्यू की मरम्मत कर उन्हें मजबूत बनाता है, जो कि बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहर के देशों में अजीब सी दिखने वाली इन चीज़ों को, जैसे स्नेक्स, क्रिकेट्स, जायंट वाटर बीटल्स, स्टिंग बग्स, कॉकरोच और कई अन्य इंसेक्ट्स को बड़े मजे लेकर खाया जाता है। आगे चलकर ये आम खानपान हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट फार्मिंग अन्य फार्मिंग की अपेक्षा सस्ती पड़ेगी। दोस्तों, इस फ्यूचर फूड को खाने के लिए आप अभी से अपना मन बना लें, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनने जा रहा है। एडिबल मिस्ट। दोस्तों, ये लिक मी आई एम डिलीशियस का फ्यूचर फूड आइडिया है। जीरो कैलोरी का ये फ्यूचर फूड आने वाले समय में आपको अनोखा स्वाद देने वाला है, जो बॉल से दिखने वाली एक डिवाइस में आपको सैकड़ों स्वादों में अवेलेबल होगा। फिलहाल ये बहुत ही महंगा फ्यूचर आइटम है। एडिबल मिस्ट आने वाले समय में मौजूदा स्नैक्स को पूरी तरह से खत्म कर अपना राज कायम करेगा। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर की इजाद इस फ्यूचर फूड की वजह से आप सीधे तौर पर हवा से न्यूट्रिशन ले सकेंगे। वो टमाटर का सूप हो या मिल्क शेक, इस लिक्विड में आप सबका मजा भरपूर तरीके से ले सकेंगे, क्योंकि कुछ ही बूंदों में आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे, जो आपको अपनी मनपसंद चीज का फील देंगे। ये फ्यूचर फूड कमाल का है। आपको बता दें, इस एडिबल मिस्ट का फायदा सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट को होगा। दूसरी तरफ एलर्जिक लोग भी इस फ्यूचर फूड की वजह से अपनी पसंदीदा चीज़ों का लुत्फ उठा सकेंगे। अनयूजुअल कॉफ़ी। आप कॉफ़ी लवर हैं
तो ये फ्यूचर फूड आपके लिए है, क्योंकि आने वाले समय में मिलने वाली ये एक आधुनिक कॉफी है। दोस्तों, दुनिया भर में तरह तरह से कॉफी का टेस्ट लिया जाता है। इस ट्रांसपेरेंट कॉफी का एक नॉर्मल कप आपको साधारण कॉफी से कहीं ज्यादा स्वाद देगा। इसको कैरी करना भी आसान होगा। तो दोस्तों, क्या आप इसके सिप लेने के लिए बेताब हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको इन फ्यूचर फूड्स के बारे में जानकर कैसा लगा, अपनी राय से हमें अवगत कराएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।